वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और तो अभी मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह, बहुत ठंड लग रहा है और मतलब हमारे यहाँ पे तो धुंध सी हो रही है। और आप बताना आपके वहाँ पे कैसे हो रहा है। पीछे मम्मी बर्तन साफ कर रही है और मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और अभी आगे का देखते हैं क्या रहेगा। तो आप बने रहना पूरे व्लॉग में, आज का कुछ स्पेशल व्लॉग होने वाला है। तो चलो, हेलो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों कर रही है। गाइज मैं आई हूँ चूल्हे पे हाथ सेकने और मैं अभी नहाई थी, तो नहा के ना फिर मेरे फेस पे ना धुआं लग जाएगा और फिर पूरा फेस धुएं में हो जाएगा। अभी फ्रेश सा फील हो रहा है, इसलिए मैंने क्या करा तो पकड़ लिया मुंह पे। अब मैं हाथ सेक लूंगी, सॉक्स पहन लूंगी, ठीक है गाइज। अच्छा है ना मेरा आइडिया, बताना कमेंट करके। तो गाइज आप सोच रहे होगी कि इसने अब सॉल क्यों ओढ़ लिया। मैंने सॉल इसलिए ओढ़ लिया, सिर पे दुपट्टा होना, मतलब सिर पे कपड़ा होना जरूरी है क्योंकि मैं अब करूंगी पूजा। चलो, क्या करनी है पूजा मंदिर में, मतलब घर पे ही करनी है पूजा। कल तो मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाऊंगी एंड आई एम करिंग पूजा एट होम। और लौटने में लिया पानी, चप्पल उतार के एंड लौटे में पानी लेंगे। एक मिनट गाइस, संवाददाता स्वीटी के साथ बने रहना। ठंडी में पानी, चलो भगवान जी जय हो। चीनी कड़ी पर देना, थोड़ा सा मीठा डाल लेते हैं, है ना गाइज। आज के ब्लॉग में आपको मैं ही दिखूंगी, पूरा ब्लॉग मैं खुद शूट करूंगी। आप लोग बोलते रहते हो ना ब्लॉग शूट आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, मैं ही करूंगी। चलो चलते हैं लोटा लेके और बाकी सामान मंदिर में रखे हुए हैं। जय श्री श्याम, दर्शन कर लो गाइस, आप सब भी हाथ जोड़ लो। और ये है पूजा और ये है माता रानी। और भी दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। तो गाइज मैंने पूजा कर दी है और यहाँ पे बैठे हैं हमारे श्याम बाबा जी। और ये हैं गौ माता, ये श्याम बाबा जी का घोड़ा। और ये मैंने पूजा कर दी है और ये माता रानी, ये कृष्ण भगवान जी राधा कृष्ण, और ये विष्णु जी। और आप सब भी हाथ जोड़ लो, मैंने भी पूजा कर दी है, मैं चलती हूँ बाहर। गाइज मैंने पूजा कर ली है और पीछे देखो सर्दियों का हाल, कपड़े सुखाते हैं मशीन में, सब सूखने के बाद, ऊपर सूखने के बाद भी नहीं सूखते, उसके बाद फिर हमने ऐसे टांग दिए। तो चलो गाइज मैंने पूजा कर ली, अब आगे देखते क्या होगा। आज का पूरा व्लॉग आपको दिखाती रहूंगी गाइज, मेरा खाना देखो कैसे आया है। आलू गाजर की सब्जी, साथ में गाजर का हलवा और दो रोटी। और ये मैं खाना खा लेती हूँ और आप भी खाना खा लो सब। आज तो पूरा व्लॉग मैं ही शूट करूंगी, मैंने बोला है ना आपको, मैं ही दिखूंगी पूरे व्लॉग में, ठीक है। और चूल्हे पे बैठी हूँ, मेरा जड्डा लग रहा है गाइज। पूजा मैं कर ली मैंने, चलो अब खाना खा लेते हैं, आप भी खा लो। कोई नहीं, चलो गाइज आज आपके लिए ना इतना बड़ा सरप्राइज है, इतना बड़ा सरप्राइज, एक जोड़ भर के सरप्राइज है ना, है ना। और गाइज वो आप समझ ही गए होंगे थंबनेल से। और एक और सरप्राइज है तन्नू के लिए, वो तन्नू को पता ही नहीं है और तन्नू को भी पता चल जाएगा। और अभी थोड़ी देर में देखना आप, और पहले दिखा दो तन्नू हम कहाँ आए हुए हैं। ये देखो इधर आए हुए हैं, छोटे के लिए पूरा दिखा दो, सारा कैमरा मैन सारे मैंने घुमा दे, बहुत छोटा अच्छा। और ये देखो गाइस कितनी सुंदर लग रही है, देखते कौन सुंदर लग रहा है मैं लग रही हूं मैं, वो तो गाइस बताना कौन सुंदर लग रहा है पहले मैं की है। और मेरी हुड्डी कैसी लगी आपको, और मैंने 50 वीडियो बनाऊंगी आज। और सर्दी इतनी हो रही है, बाहर निकल के बिल्कुल ऐसे हो जाती है हड्डी। चलो गाइस मिलते हैं जल्दी। तो गाइज तन्नू का हेड बॉस हो रहा है और फिर देखना इसके साथ क्या चमत्कार होने वाला है। इसकी जिद इन्हें हमारा जीड़ा नाम कर रखा था, कति हमने काटी बेची अपनी जिद, जाकर इसके लटूर सिद्धे होएंगे।
देख लो गाइस जिसके बहुत अच्छे और हो जाएंगे। मेरे को न्यू ईयर पे गिफ्ट मिला, न्यू ईयर पे गिफ्ट मिला, खर्चा कर दिया हमने तो मोटा खर्चा हो गया। और ये देखो आपको बताएंगे कहाँ हम आए हुए हैं, तन्नु के बालों के साथ चमत्कार होने वाला है। और भैया पूरी जान लगा रखी भैया ने बालों में, इसकी भैंस भर के बाल थे, इतनी मुश्किल होता है इन्होंने बहुत करी में अप्लाई करी। मेरे को लग रहा है कि ये अच्छी करेंगे, करने से पता लग जाता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हां चढ़ा रही है कि भैया ने, नहीं सच में पागल बहुत अच्छी कर रहे हैं पता लग रहा है। फिर ऐसे तो मेरे को जेलसी हो जाएगी, फिर तुम भी आओगे। वो तो होगी यार, भैया होगी ना, वो तो होगी। तो गाइस देख लो, किसी का भलाई का जमाना नहीं आज के टाइम में। और आपको मैं दिखा दूं, मैं आपको दिखा दूं कि हम कहां आए हुए हैं। भैया को देख लो पहले तो, आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भैया कोई इश्यू तो नहीं आपको? नहीं ना, हां वही ना, तो मशहूर हो जाएंगे आधे बोलते हैं ना भैया ऐसे ले लिए। और देखो गाइस मुन्ने देखो, तुम मुन्ने देखो, गाइस यहां पे ना ये देखो, मेरे को सबसे अच्छा लगा एक ना ये डिजाइन देखो, कितना इंटीरियर डिजाइनर ने कितना बढ़िया वो दे रखा है। पीछे देखो चाय पीने का स्टाइल देखो, जय बाबा की, खर्चा कर दिया। अब लो देखो, अब लो, हाय हाय गाइस, चाय पी लो, चाय पी लो। भाई चलो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, अभी उसका हेड वॉश हो रहा है तन्नू का, बाकी बाहर से दिखाती हूँ। रुको गाइस हम यहाँ पे आए हुए हैं और ये देखो कितना प्यारा है सारा। और ये दीदी का सैलून है और हम यहाँ पे आए हुए थे तो तन्नू के हेयर की ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत अच्छे से करेंगे। और अंदर से मैंने आपको दिखाई दिया, चलो ये कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, देखो कितना प्यारा है। और दिखाती हूँ, और ये देखो यहाँ पे इनका मेकअप रूम है, और ये मैं हूँ। बस तुम्हें सोनी लग रही, प्यारी प्यारी सी मस्त लग रही ना मेरी गुड्डी। और यहाँ पे देखो सच्ची में अच्छी लग रही हूँ, तो चलो बाय। गाइस ये देखो पंखे थे, इसके बाल से खाने लग रहे, दो दो पंखे चल रहे सिर पर, देख लो कितनी मेहनत लगती है। ये सब पंखे है गाइस, सोचो क्या है जो इसको स्मूथनिंग करवानी पड़ रही है, कोई तगड़ा ही फंक्शन है ना तल्लू, वो आपको पता लगेगा नेक्स्ट व्लॉग में, पता लगेगा आपको क्या फंक्शन है। गाइस जिंदगी में आज मतलब ये पहली बार करवा रही है, हम इसका खर्चा नहीं करा रहे थे, ये फालतू का फालतू में दी आज, इस बार सोचते चलो कोई नहीं बाहर आ जाए। गाइस मैंने कराई थी इसमें मेरी एक बार पहले भी करा, वो कैराटीन थी, ये कैराटीन कराया तो खर्चा तेरा। तो गाइस ये देखो क्लींजिंग करा रही हूँ, आपको पता ही है कुछ बिग धमाल होने वाला है। तो तनु ने स्ट्रेटनिंग करा ली बालों की, मेरे लिए तो यही जरूरी है, मैं स्ट्रेटनिंग वगैरह तो क्या ही कराऊं, बाल फिर से ऐसे हो जाएंगे। और ये मेरी मीट माय नेपाली फ्रेंड और देखो कितनी क्यूट है, चाऊ चाऊ और गाइस मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी अभी देखना, 5 मिनट में एकदम मेरा कैटरीना कैफ जैसा फेस हो जाएगा, क्योंकि ये कर रही है ना मेरा, इसका नाम है, इसका नाम है आरवी, आरवी मैं तो आरवी बोल रहा हूं ना बैठे बैठे। और ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, अभी तो और चल ही रहा है कंटिन्यूसली, इतने पॉपकॉर्न खा गई, फ्रूट चाट खा गई, पता नहीं चिप्स खा गई, पता नहीं क्या क्या खा गई, ऊपर से मेरा दिमाग खा गई और मेरी आंखों देखो कैसी रेड रेड हो रही है, बिकॉज बर्गर तो पसंद ही नहीं करा मैडम ने, बोली बर्गर नहीं खाती मैं, देख लो कैसे कैसे लोग हैं। बाकी मेरा यहाँ मन लग रहा है अच्छा है, सब कुछ बोरिंग नहीं है कुछ भी, मेरी आंखें बिल्कुल वो होगी नहीं, मेरा फेस ग्लो कर रहा है। तो गाइज आज बताओ आप, सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे मैं ना बहुत क्यूट क्यूट सी लग रही हूँ आज, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर ना मेरे ऊपर सूट करता है।
है नु ये क्या। और मैंने बहुत दिन बाद आज ब्लैक कलर अपलोड करा है, बहुत दिन बाद आज मैंने अपलोड करा है, और बहुत दिन बाद मैंने आज व्लॉग भी शूट किया। मैंने सुबह सुबह आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं खुद से व्लॉग शूट करूंगी, तो मैं पूरा दिन अभी खुद ही कैमरा लेके दिखाऊं मैं कहाँ पे हूँ। चलो लुक दिस एरिया एंड कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ पे हूँ गाइस। ये देखो ये देखो, अब कोई ये मत बोलना दिल्ली का सीपी है, दिल्ली का सीपी नहीं है, दिल्ली का सीपी नहीं है। ब्लर करके कैमरा बताना गाइस मैं कहाँ पे हूँ, बताना कमेंट करके। गाइस घर आ चुके हैं, दाल रोटी बनी है, सुबह की आलू गाजर रखी हुई है, और ये मेरी हालत देखो, जुकाम भी हो गया, ठंड इतनी थी। बाकी चाय भी पियेंगे बना के अभी थोड़ी देर में, और मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा व्लॉगिंग तो एंड कर दूं। गाइस व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, डेली मैं ही शूट करूंगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।